इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। तो भाई ये केड़ी पैलेस मुझे लगता है वो अभी अभी बना है, अंदर पता नहीं क्या दिखेगा, थोड़ा सा अंदर देखने का प्रयास कर लेते हैं। अभी तो पानी बहुत ही कम है, वरना ये पानी ये सबसे ऊपर जाता है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं केड़ी पैलेस यानी कि कालदे महल, और इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है जो मैं कहानी आपको आगे जाके सुनाने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों तब तक के लिए मैं आपको अंदर लेके जाता हूँ। और ये बाहर से अभी तो बहुत पुरानी है, उसकी वजह से ये थोड़ी सी टूट चुकी है, और मैं आपको सब दिखाऊंगा जो मैं देखूंगा। तो चलते हैं अंदर। तो भाई ये केड़ी पैलेस कालदेह पैलेस, तो मैंने बोला कि जैसे बहुत पुरानी होने की वजह से ये बहुत जगह से टूट चुकी है। कालिया देह महल जिसे केड़ी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, जो उज्जैन का काफ़ी प्रचलित और ऐतिहासिक महल है। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो काफ़ी लंबा मालूम होता है। इस महल के बारे में कहा जाता है कि केड़ी पैलेस को 1500 सेंचुरी के आसपास मांडू के शासक नासिरुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। यह महल को नासिरुद्दीन ने क्षिप्रा नदी के किनारे बनवाया था, जो कि मूल हिंदू मंदिर को भंग करके बनवाया गया था। कहा जाता है कि नासिरुद्दीन को पारा खाने की लत लग गई थी, इसलिए पारे की गर्मी को शांत करने के लिए ही उसने क्षिप्रा नदी के किनारे यह महल बनवाया था, जिसका जिक्र कर्नल ल्यूर्क ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ द सेंट्रल इंडिया में भी किया है। एक दिन की बात है कि नासिरुद्दीन रोज की तरह नशे में धुत क्षिप्रा नदी में डुबकी लगा रहा था, लेकिन बहुत देर नदी में रहने के कारण एक नौकर ने उसे बेहोश समझ नदी में से बाहर निकाल दिया। तो नासिरुद्दीन ने उस नौकर के बादशाही शरीर को हाथ लगाने की वजह से दोनों हाथ कटवा दिए। नासिरुद्दीन को रोजाना नशे में धुत होकर जल में डुबकी लगा रखने की आदत थी और महल के नीचे क्षिप्रा नदी में पड़ा रहता था। एक रोज अधिक गर्मी चढ़ जाने के कारण क्षिप्रा नदी में ही उसकी जल समाधि हो गई और उसकी मौत हो गई। नासिरुद्दीन के बाद सम्राट अकबर और जहांगीर ने भी उनकी किताबों में इस महल के बारे में काफ़ी जिक्र किया है, और कहते हैं कि कुछ समय बाद पिंडारियों ने इस महल को भी ध्वस्त कर दिया। कहते हैं कि इस महल में एक भव्य सूर्य मंदिर है, जिसकी वजह से इस महल के सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जाते हैं, मैंने जैसे बोला था आपको वहाँ पे लेकर जाऊँगा दूध पे, थोड़ा सा थोड़ा बहुत ही है लेकिन बढ़िया सा है अभी तो, मेरा अच्छा वाला है। मैं आपको कैमरा पीछे करके दिखा देता हूँ। महल के बाजू में जो बावन कुंड है उसकी बात हम करें तो उसकी मान्यता ऐसी है कि उस कुंड में स्नान करने से प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है।
और चैत्र मास की बुधनी एकादशी के दिन यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ से भूत प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति यहाँ पर आते हैं और स्नान करके उनकी पीड़ा से मुक्ति पाते हैं। तो दोस्तों ये था कीड़ी पैलेस और ये थे बावन कुंड जो आपने यहाँ पर देखा। आशा रखता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हमारी ये वीडियो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।